दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के जरिए आज हम लोग कुछ खास खबर को जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों हमारी पहली खबर होने वाले हैं मुंबई के लाइफलाइन पर लगेगा 63 घंटे का ब्रेक, 930 लोकल ट्रेन होगी कैंसल। दोस्तों ये सभी न्यूज़ को हम लोग विस्तृत में जो है ना जानने वाले हैं। तो चलिए हमारी दूसरी खबर जो होने वाली है ये भी कमाल की न्यूज़ जो है ना लेकर के आ रही है। इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक पर खटाकर दौड़ेगी ट्रेन, एमपी के 3 और राजस्थान के 2 जिले होंगे रेलवे के लिए इतिहास बनाने के लिए। ये 2 जिले होंगे पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक के लिए। अगली खबर होने वाली है यूपी में बन रहा एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, अगले माह से मिलेगी 5-स्टार होटल जैसी सुविधा। दोस्तों इस खबर को जो है ना हम लोग विस्तृत में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हमारी अगली खबर जो होने वाली है इसको जानेंगे हम लोग। भारतीय रेलवे ने स्क्रैप बिक्री पर समस्तीपुर लोको सीट जो है देश भर में अव्वल आई है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आखिरी में जो है ना जानेंगे जयपुर स्टेशन से 6 ट्रेनों को 2 महीने के लिए कैंसिल किया जाएगा और 10 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जाएगा। तो दोस्तों ये सभी न्यूज को हम लोग विस्तृत में जो है ना अब अध्ययन करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार जो है विजिट किए हैं, इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग इस तरह के न्यूज रेलवे से जुड़े इन्फॉर्मेटिव न्यूज आप लोग जो है देखने में पसंद रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना टाइम को गवाए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। मुंबई के लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन से हर रोज जो है सफर करने वाले लाखों मुंबईकारों के लिए जो है बहुत जरूरी खबर है। सेंट्रल रेलवे ने बताया है कि मुंबई नेटवर्क पर प्लेटफॉर्म में विस्तार का काम चल रहा है। 30 मई के मध्य रात्रि में 63 घंटे का मेगा ब्लॉक संचालित करेगा। इन 63 घंटों में मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की सेवा और पैसेंजर ट्रेन को आवाजाही में प्रभावित किया जाएगा। सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि ब्लॉक अवधि के दौरान लोकल और लंबी दूरी के ट्रेन की सेवा बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए रेलवे यात्रियों से अपील है कि यदि आवश्यकता न हो तो लोकल ट्रेन में यात्रा करने से बचें। सीएसएमटी और थाने स्टेशन पर प्लेटफॉर्म में विस्तार और चौड़ीकरण कार्यों के लिए मेगा ब्लॉक संचालित किया जाएगा। इसमें 31 मई को जो है 161 गाड़ी जो है कैंसिल रहेगी, 1 जून को जो है 534 सेवाएं कैंसिल रहेगी, 2 जून को जो है 535 सेवाएं जो है कैंसिल रहेगी, 31 जून को जो है शुक्रवार को 7 सेवाएं शॉर्ट टर्मिनेटेड किया जाएगा, 1 जून को जो है 306 सेवाएं शॉर्ट टर्मिनेटेड किया जाएगा, 2 जून को जो है 131 सेवाएं शॉर्ट टर्मिनेटेड किया जाएगा, 317 सेवा जो है 1 जून को होगी शॉर्ट। दोस्तों आप लोग भी मुंबई आते जाते हैं तो आप लोग जो है देख सुन के यात्रा कीजिएगा। कुछ ही दिनों में जो है इतनी ज़्यादा ट्रेन जो है मुंबई से शॉर्ट टर्मिनेटेड ओरिजिनेटेड और जो है कैंसिल होने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एमपी के 3 रेल लाइन और राजस्थान के 2 जिलों को होगा तगड़ा फायदा। एमपी को राजस्थान की ओर करीब आने वाले भोपाल रामराज मंडी रूट पर अगले साल से ट्रेन चलाने की तैयारियां जो है शुरू हो गई है। बारखेड़ा बुधनी होकर जो है ना आर के एम पी आने वाली तीसरी रेलवे लाइन की कमीशनिंग होने के बाद इस पर ट्रैफिक चालू किया गया है। इससे महाराष्ट्र यूपी के रास्ते भोपाल होकर गुजरने वाली यात्री ट्रेनों की रफ्तार में तेजी आएगी। दोस्तों अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाली है महाकुंभ को लेकर के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे भी अपनी तैयारियां में जुट गई है। महाकुंभ को तैयारियों को मद्देनजर जहां प्रयागराज जंक्शन जो है रेलवे स्टेशन के करीब 900 करोड़ रुपये की लागत से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, वही रेलवे स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए नई नई सुविधा भी मुहैया किए जाने के लिए तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में जहाँ एक और प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कुछ समय पहले रेल कोच रेस्टोरेंट शुरुआत हुई थी, वही अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ओर से स्लीपिंग पॉड की सौगात देने वाली है। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर जो है सिविल लाइन साइड में स्लीपिंग पॉड बनाया जा रहा है। अब करीब 72 स्लीपिंग पॉड लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इस प्रकार से आने वाले समय में प्रयागराज रेलवे जंक्शन एक 5-स्टार होटल की तरह जोन बनने जा रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समस्तीपुर मंडल ने 30 मई को स्क्रैप निपटाने के क्षेत्र में अब तक की गई बिक्री का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह बिक्री पूर्व मध्य रेलवे के किसी एक मंडल द्वारा एक दिन में की गई सर्वाधिक बिक्री है। 30 मई के नीलामी में अभियंत्रक विभाग के दरभंगा मोतिहारी नरकटियागंज खंड स्थित रेलखंड एवं पीएम मद पे जो है लगभग 1,30,00,000 के डीजल से समस्तीपुर स्थित 11 स्क्रैप लोको पुराने इंजन से 10,17,00,000 का प्राप्ति हुई है। एक लोको का बिक्री दर 91.33 लाख प्राप्त हुई है जो कि वर्तमान में
पूरे भारत में जो है सर्वाधिक है। यह जानकारी DRM श्री विनय श्रीवास्तव ने इसके अनुसार पूर्व मध्य रेल द्वारा मंडल के 80 करोड़ का स्क्रैप बिक्री का लक्ष्य दिया गया था। समस्तीपुर मंडल ने स्क्रैप नीलामी के तहत 12.11 करोड़ की बिक्री कर पूरे उपलब्धि हासिल किया। आंकड़े के अनुसार इस बिक्री के बाद समस्तीपुर मंडल के एक वित्तीय वर्ष की कुल बिक्री 16.5 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो की हमारी आखिरी खबर है कि जयपुर स्टेशन से 6 ट्रेनों को महीने के लिए जो है रद्द कर दी गई है और 10 ट्रेन के रूट में जो है बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट की तरह बन रहे हैं रेलवे स्टेशन। इनकी इसी की योजना को लेकर के जो है यहाँ की गाड़ी को जो है कैंसिल और रद्द कर गई है। जयपुर स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का कार्य जो है तेज़ी से चल रही है। जयपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर एयर कॉन्कोर्स निर्माण के लिए 6 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। वही 6 ट्रेनों को आंशिक रद्द और 10 का रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। सो दोस्तों आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।